पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों मैनपुरी सीट पर यादव परिवार में जो संग्राम छिड़ा हुआ था वो संग्राम तो कहीं ना कहीं अब थमता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने की। कहा यह जा रहा था कि अखिलेश यादव शिवपाल यादव को नहीं अपनाएंगे और आगे जाकर उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है, लेकिन एन मौके पर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। और यह फैसला था शिवपाल यादव से जुड़ा। शिवपाल यादव को मैनपुरी सीट से स्टार प्रचारक बनाकर अखिलेश यादव ने सबको चौंका दिया, सबको चौकन्ना कर दिया। अब जो खबर सामने आ रही है दोस्तों वो शिवपाल यादव के हवाले से आ रही है। और देखिए एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भतीजे ने तो चाचा शिवपाल को अपनाया है, उनसे मुलाकात की है, मिले हैं, और ऐसा भी लग रहा है कि उनके अंदर जो सॉफ्ट कॉर्नर है शिवपाल चाचा को लेकर वो कहीं ना कहीं धरातल पर नजर आया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो कहा यह जा रहा है दोस्तों कि शिवपाल यादव ने सबसे बड़ा दाव खेल दिया है, और ये जो दाव है ये दाव यादव लैंड को कब्जाने का है। यार दोस्तों यादव लैंड, जिसके लिए आप ये कह सकते हैं उसको, अगर मैं साधारण भाषा में कहूं तो यादव वोट बैंक, जिस पर ज्यादातर अगर आप बात करेंगे तो मुलायम सिंह यादव जो थे तो मैनपुरी सीट की अगर मैं बात करूं तो मैनपुरी सीट पर उनका दबदबा कायम था, यादव वोट बैंक उनके खाते में था। अब ऐसा लग रहा है कि शिवपाल यादव को यहां से स्टार प्रचारक बनाकर अखिलेश यादव ने बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का जो यादव वोट बैंक है वो भी शिवपाल यादव के खाते में जा सकता है, और आगे जाकर अगर वो यादव वोट बैंक, वो यादव लैंड प्रबल हुआ तो शिवपाल यादव अखिलेश यादव से बगावत कर सकते हैं। इसलिए आगे जाकर शिवपाल यादव अखिलेश यादव पर भारी पड़ सकते हैं। दोस्तों अब देखना ये है कि दोनों के बीच ये जो अभी इस वक्त प्यार अचानक से नजर आ रहा है, ये सचमुच शिवपाल यादव की ही तरफ से राजनीति है या फिर अखिलेश यादव भी सच में राजनीति कर रहे हैं। हालांकि शिवपाल यादव भारी पड़ सकते हैं इसकी पूरी पूरी संभावना जताई जा रही है। दोस्तों बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।